लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आज शाम 5 बजे के आसपास किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, यानी मामला एक बार फिर से अटक गया है, सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को और भी तेज करेंगे, यानी आंदोलन और भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ सरकार के लिए परेशानियां भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत जी, इस वक्त लाइव आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, मामला तो अटक गया है क्योंकि आप लोगों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है, अब संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, आंदोलन आगे बढ़ेगा। किस तरह से आप आंदोलन को आगे ले जाएंगे और आगे रास्ता कहां से निकलेगा, कब तक चलेगा ये? देखो, रास्ता जो निकलेगा, 3 बिल सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। वे आज कर दो, वे 2 दिन में कर दो, वे 10 दिन में कर दो, वे 2 महीने में कर दो। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का, वो रास्ता जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरे बिल इनको खारिज करने पड़ेंगे। ये अब जो बिल का सवाल है, ये देश के जो सीधे किसान है पूर्ण रूप से, वो उनके हाथ में अब कमान चली गई है। अब लीडरशिप के भी हाथ में कमान नहीं है कि कोई समझौता कर देगा और देश की जनता मान लेगी। मैं जहाँ पे बैठे हैं, शुद्ध किसान हैं, इन्होंने वे बिल नहीं पढ़े, लेकिन जो अपनी ये जीरी बेच के आए हैं, वो जीरी नुकसान में बेच के आए हैं। इनको पता चला है कि मैं दिल्ली में जाऊँगा, जो मेरी कणक का भाव कम है, मेरी मक्का का भाव कम है, वो दिल्ली मैं आज अपना हिसाब अपने आप लेने जाऊँगा। ये मेरे जो नौजवान मुंडे हैं, ये अपने जो बाप दादा को अनपढ़ रखा, उनसे खेत में काम करवाया, ये अपना हिसाब लेने आज दिल्ली में आए हैं। तो ये बगैर हिसाब लिए दिल्ली से जाएंगे नहीं। लेकिन सरकार कह रही है जो लिखित प्रस्ताव था उसमें क्या कुछ है, आप भी उस पर बात कीजिए। एमएसपी को लेकर जो सरकार कह रही है कि वो लिखित में एमएसपी के मिलने की बात को शामिल करने को तैयार है, उस पर क्या कहना आप लोग? एमएसपी तो सबसे बड़ी मांग थी ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो, वो एमएसपी पे भी हेरा फेरी कर रहे हैं। नहीं नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी डिमांड है और वे आज भी ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को हम हटाएंगे नहीं। वो हेरा फेरी जो कर रहे हैं ना, उसी में ही तो गड़बड़ है।